हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए को, काफ़ी कंट्रियां जो है घूम रहा था, ठीक है, काफ़ी कंट्रियां घूम चुका हूं और अभी जिस कंट्री में हूं उस कंट्री के बारे में मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। कुछ लोगों को तो पता चल चुका होगा मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम पर जो है स्टोरी वगैरह डालता रहता हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ उस कंट्री का मैं एंड में बताऊंगा। तो ये आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने यूक्रेन जो है क्यों छोड़ा है, ठीक है। ये यूक्रेन की मेरी लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद मैं यूक्रेन की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। यूक्रेन में क्या प्रॉब्लम आती है, सबको क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जिसके वजह से हम जो है यूक्रेन छोड़ देते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग। तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है यूक्रेन की वो है लैंग्वेज। यूक्रेन में यार सबसे मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज बैरियर ही है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यूक्रेनियन सीखते रहे, उसके बाद फिर रशियन पे जोर लगाया, तो फिर भी यार देखो हम बचपन से जो है इंग्लिश सीखते आ रहे हैं, तो यूक्रेनियन और रशियन सीखना बहुत मुश्किल है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है फ्लुएंट बनने के लिए। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई ढंग से मीन्स इनको तो यहाँ पे इंग्लिश तक भी नहीं आती ढंग से। अगर जो आपको यूक्रेनियन या रशियन नहीं आती तो ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे लैंग्वेज की। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लैंग्वेज की है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यार, वो है जॉब की। यूक्रेन में जो है जॉब ज्यादा नहीं है, सीरियसली में जॉब ज्यादा नहीं है। जॉब मीन्स वहाँ के खुद के लोग जो है बड़ी मुश्किल से जॉब कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से जॉब उनको मिलती है, तो जॉब के ऑप्शन भी बहुत कम है यूक्रेन में। और मान लो आपको जॉब कहीं मिल भी गई ना, तो मैं सच बता रहा हूँ वो लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे कि यार आपने जो है अच्छा काम किया है वगैरह वगैरह, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज की है, और लैंग्वेज नहीं आती तो आप ढंग से काम भी नहीं कर पाओगे। आपको आपके पास कोई भी स्किल्स है ना, तो आप फिर भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है लैंग्वेज की, लैंग्वेज, और फिर ऊपर जॉब भी आपको जो लिमिटेड मिलेगी, लिमिटेड में जॉब में आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको बहुत प्रॉब्लम फील होगी, और जो ओनर है वो आपको हफ्ते में महीने में बाहर निकाल देगा, बोलेगा भी आपको लैंग्वेज नहीं आती, वो हम सेटिस्फाई नहीं है आपकी जॉब से। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो है वो है फूड की यार। यहाँ पे जो है आपको इंडियन फूड जो है नहीं मिलेगा। एक आधा रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में खाना बहुत महंगा है। मैंने जो है टूर भी कराया आपको इंडियन रेस्टोरेंट का, इंडियन फूड का। इंडियन फूड जो है बहुत लिमिटेड मिलता है आपको, और जो है इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा जैसा कि आपको इंडिया में मिलता है। यूक्रेनियन का आपको पता ही है कि खाना जो है बहुत अलग है, हमारे इंडियन से स्पाइसी फूड नहीं खाते, बिल्कुल फिक्का फूड खाते हैं विदाउट सॉल्ट, ठीक है, और नॉन वेज में ये काफ़ी यूज करते हैं। तो हमारे इंडियन लोग जो है काफ़ी वेजिटेरियन है, तो इस करके काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो है फूड की भी आती है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने यूक्रेन क्यों छोड़ा, तो यार मेजर प्रॉब्लम तो यही थी। तो इससे अच्छा तो बंदा यही सोचता है कि यार इंडिया में ही काम सेट है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत बंदा कमाई लेता है और अच्छा रहना सहना कर लेता है। यहाँ पे तो मींस एक ये कंट्री जो है ना एक इंडिया की तरह ही है, बस थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई है। और अब मैं बता देता हूँ यार इस यहाँ पे यूक्रेन में कुछ अच्छी चीजें क्या है, किस लोगों को आना चाहिए। देखो कुछ लोगों को ड्रीम होता है कि मैंने को एक बार बाहर देश जाना है, वहाँ का कल्चर देखना है, वहाँ के लोग देखने हैं क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे रहते हैं, सब कल्चर जानना है उनका। तो मेरा भी यही शौक था कि एक बार तो जाके देखना है कि होता क्या है वहाँ पे, ठीक है, कैसा कल्चर है उन लोगों का। तो मैंने भी वही किया। यहाँ पे यूक्रेन में आपको दिखेगा कि जैसे आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में देखते हो ना कल्चर, सेम कल्चर वही है, यूरोपियन लोग रहते हैं, यूरोप में भी आप जैसा कल्चर देखोगे वही सिस्टम है, ठीक है, आपको वैसे ही लोग दिखेंगे, वैसी साफ सफाई, वैसा ही मैनेजमेंट दिखेगा यूक्रेन में। तो आपका एक शौक तो जरूर पूरा हो जाएगा कि भारला देश आने का, कि भारला देश होता कैसा है। तो ये एक फायदा है यूक्रेन में आने का, सस्ते में 2-3 लाख रुपए में आओ और यहाँ पे जो है अपना चेक कर लो कि कल्चर कैसा है। यूक्रेन में जो है कल्चर और जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये बहुत कम है यार, इंडिया की तरह ही है, बहुत कम है। आपको आना जाना बड़ा सस्ता पड़ेगा, जो अगर जो आप इनका फूड खा सकते हो तो वो भी बड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे फायदा है यूक्रेन में जाने का। तो यार अब मैं यूक्रेन के टॉपिक को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। यूक्रेन इसके बाद मैं यूक्रेन की कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। किसी की थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। और फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ। तो जैसा मैंने बताया, काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ पे हूँ,
तो यार मैं काफी कंट्रियां बीच में घूम चुका हूँ। मैं यूरोप भी जा चुका हूँ, स्पेन वगैरह जा चुका हूँ, ठीक है, यूके वगैरह जा चुका हूँ, ठीक है, इंग्लैंड में चला गया था मैं, और उसके बाद मैं गया हूँ टर्की भी जा चुका हूँ। टर्की पहले चला गया था मैं, ठीक है, टर्की की आपने देखा होगा। और अभी मैं यहाँ पे हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। यूएसए की एक दो स्टेट में घूम चुका हूँ, ठीक है। अभी इस टाइम हूँ मैं विस्कैंसन में, ठीक है। इससे पहले मैं था कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया लास वेगास मैं घूम चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरी वीडियो आएंगी यूएसए से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो यूएसए का होगा। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो लाइफ बहुत बिजी रहती है, ठीक है। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं विस्कैंसन में आया हूँ, किसी मेरे यहाँ पे नॉन रहता है उनके पास आया हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये मैं आपको यहाँ वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बारे में मत पूछना कि आप कैसे आए हो, क्यों आए हो, कुछ लोगों को पता है, ठीक है। तो बाकी यार ठंड बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि स्नो गिरी हुई है, ये देख सकते हो आप, हर जगह स्नो ही स्नो है, ठीक है। तो इसके बाद मैं अपने यूएसए का जो है सीरीज स्टार्ट करूंगा, आपको काफी कुछ दिखाऊंगा, काफी कुछ मुझे पता चला है और काफी कुछ और दिखाऊंगा, ठीक है। एक मेन बात यार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि नुमाद मनी जो है यूक्रेन से यूएसए चला गया है, तो आप भी यूक्रेन का वीजा लगवा लो। तो ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। यूक्रेन से आगे मूव होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग अपना टाइम और पैसा जो है वेस्ट करते हैं यूक्रेन के लिए, तो ना तो वहां से यूरोप जा सकते और किसी अदर कंट्री नहीं जा सकते। मेरा केस थोड़ा दूसरा था, तो मेरे घर वालों ने, मेरे रिलेटिव्स ने इसमें थोड़ी हेल्प की है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूक्रेन आ जाओ फिर उसके बाद आगे मूव कर जाओगे, तो ये मत सोचना। तो कुछ एजेंट आपको मेरा एग्जाम्पल जरूर देंगे कि मैं ऐसे करके आया हूँ, तो इससे थोड़ा बच के रहना, ठीक है।